बहुत जरूरी है। एंड शीट पेपर इज प्रोड्यूस इफ अनइंसुलेटेड टूल इज यूज। जब टूल की अगर हम शेप देखते हैं तब ये चीज हो गई। अब आपको एक स्लाइड एक आपको दिखाने का है, एक चीज एक स्लाइड देख लीजिए आप सबके काम की है। ये देखिए जिन्होंने पहले का लेक्चर नहीं सुना है, इस शीट का जो है स्क्रीनशॉट जरूर लें। इसमें कितने सिस्टम काम, हाउ मेनी सिस्टम्स आर वर्किंग हियर, द पावर सप्लाई, कैथोड इज ऑलवेज टूल एंड एनोड इज द वर्क पीस। एक सिस्टम तो ये हो गया। सेकंड सिस्टम द इलेक्ट्रोलाइट का, ये यहां से नीचे से करेक्शन हो रहा है, रिजर्वॉयर में आया, पंप में आया, फिल्टर में आया, देन हीट एक्सचेंजर, टेम्परेचर उसका डाउन किया जो बढ़ गया था, फिर रिजर्वॉयर में आया, फिर हमने हाई प्रेशर पंप लगाया, प्रेशर गेज लगाया और उस प्रेशर गेज के हिसाब से यहाँ पर फीडिंग हो रही है। दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रोलाइट इन बिटवीन द वर्क पीस एंड द टूल। देर आर मेनी अदर मेथड्स, डिफरेंट अगले लेक्चर में आपको स्लाइड दिखाएंगे तो उसमें डिफरेंट टूल्स का इलेक्ट्रोलाइट कैसे फीड करते हैं वो बताया जाएगा। ये दो सिस्टम हो गए। तीसरा सिस्टम क्या है, फीडिंग टूल। यहाँ पर जितना मटेरियल रिमूव हो रहा है उतना ही धीरे धीरे फीड हो रहा है। दिस इज द अनदर थर्ड सिस्टम। फोर्थ सिस्टम, हाइड्रोजन और फ्यूम्स जो इतने भी हैं, वो जितने भी हैं वो इससे मिस्ट कलेक्टर एग्जॉस्ट से जो है बाहर जा रहे हैं। वो कब जा पाएंगे, जब हम ये पूरा इंक्लोजर इसको बनाएंगे। एक इंक्लोजर बनाने का है, एग्जॉस्ट फैन लगाने का है, फीडिंग सिस्टम ऑफ द टूल, पावर सप्लाई इन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस एंड द सिस्टम, होल सिस्टम ऑफ द ले लिया भाई। ये देखिए वर्क पीस टूल इलेक्ट्रोलाइज में बीच में से आ रहा है। अब वर्क पीस कैथोड है, ये कैथोड है टूल, एनोड ये है, इलेक्ट्रोलाइट आया यहाँ से प्रेशराइज वे के अंदर, टेम्परेचर भी इसने कूल डाउन किया है, टेम्परेचर भी डाउन किया है और जो भी कुछ यहाँ पर मटेरियल रिमूव हो रहा था एटम के आयंस के फॉर्म में वो सब बाहर जा रहा है। दूसरा सिस्टम क्या हो सकता है कि इधर से फ्लो हो रहा और यहाँ से बाहर मटेरियल हमारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहा। अगर टूल बड़ा है, शेप अगर डिफरेंट है तो दो हम ए के जो कनेक्ट जो ठीक है, प्रॉब्लम अगर आ रही है तो इसको लेक्चर को ही एंड करते हैं। देयर इज नो अदर वे। सीआर मुझे इसका अटेंडेंस भेज दे। भेज दिए सर। ठीक है, तो आज भैया मैं जितना डिस्टर्ब हुआ हूँ लेक्चर लेने में कुछ कह नहीं सकता, इतनी डिस्टर्बेंस आई है इंटरनेट के कारण के रियली आई एम सॉरी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूँ। टूल के बारे में बताऊंगा, इसके बाद कुछ और बताऊंगा मैं। स्क्रीनशॉट लेते रहें आप, क्योंकि कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कॉलेज में इंटरनेट अभी है नहीं और ये एयरटेल वाला जरूर से ज्यादा प्रॉब्लम देता है। ठीक, ओके भाई, थैंक यू।